हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकू चैनल। तो पीकू के चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से पीकू की वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि पीकू की तबीयत सही नहीं है। पीकू काफ़ी बीमार हो गया था, इसको लूज मोशन हो गए थे और फिर मैंने ये सोचा कि पीकू को, मतलब मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जिसमें बहुत सारी दवाई बताई थी, लेकिन ऐसे मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं मतलब देख के दूँ क्योंकि क्या रीज़न है उसका, लूज मोशन का। तो मैंने उसको ऐसे कोई दवाई नहीं दी, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और दो दिन से मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पर। तो मैंने सोचा मैं कहाँ से डॉक्टर सर्च कर रही थी, तो नियर बाय मेरे कोई डॉक्टर भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि मैं क्या करूं, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी उनकी पैरेट्स की। तो सडनली एक वीडियो आई थी जिसमें डॉक्टर राहुल जी हैं अहमदाबाद के, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं सीरियसली, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। बाद बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली मुझे रिएक्ट किया और इसको देखा, दवाई दी उन्होंने और अब मेरा पीकू बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कितना उदम करता है और एक्टिव भी है और बड़ा भी हो गया पहले से। तो मैंने पीकू का जो, मतलब जो डॉक्टर थे राहुल जी, उन्होंने क्या है, उनकी फ़ीस है एक 299 का चार्ज है, वो पे किया मैंने। उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल की, उन्होंने पीकू को देखा कि पीकू की तबीयत कैसी है और क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझे टैबलेट्स लिखी, उसके बाद मैं मेडिकल से लेके आई। उन्होंने 7 डेज़ की ली थी, मैंने पीकू को सिर्फ 2 दिन खिलाई, 2 दिन में उसको आराम मिल गया, फिर मैंने उसको नहीं खिलाई क्योंकि जब वो ठीक है तो फिर फालतू में क्यों टैबलेट खिलाना। तो अभी आप देख सकते हैं कि पीकू एक्टिव है या नहीं। अच्छा बेबी, ये देखो। अब तो ये मुझे बहुत कभी कभी परेशान करता है, कल रात में बहुत उदम कर रहा था। आ जाओ पीकू बेबी, आ जाओ। तो आप ऐसे किसी की भी YouTube पे वीडियो देख के आप ऐसे कोई दवाई ना दें क्योंकि हो सकता है वो रिस्क हो आपके पैरेट के लिए, आप ऐसे दें और उसको नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसे किसी टैबलेट को ना दें। तो मैं बता रही हूँ आपको, जो टैबलेट्स उन्होंने लिखी थी तो 299 का उनका चार्ज था और ये दवाई टोटल आई थी 410 रुपये की ये दवाई थी, जिसमें ये 2 बॉटल्स की, ये ग्लूकोज है, ये टैबलेट है। तो मैंने 2 ही दिन खिलाई, तो अभी बहुत सारी बची हुई है ये। तो ये 7 डेज़ की थी और भी ग्लूकोज हैं इसके अंदर, काफ़ी हैं। मैंने एक ही ख़त्म किया, 2 टैबलेट ही खिला भाई, बहुत सारे रखे हुए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ना करें, और अगर आपके पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसको दवाई दें। ये मैंने उनको 8:30 बजे करीब मैंने उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये सोचा था हो सकता है शायद वो ये बोलें कि कल मॉर्निंग में मैं देखूंगा। मैं आपको उनकी चैटिंग दिखा देती हूँ। 8:35 पे मैंने उनको शाम को मैसेज किया था, ये है। मैंने उनको फ़ोटो वीडियो भी भेजी थी, फिर मैंने ये देखी, ये पे किया हुआ है 299 का, उन्होंने देखा था। उसके बाद उन्होंने ये टैबलेट्स वगैरह उसके लिए लिखी हैं बीबी के लिए मेरे। और अब आप लोग देख ही सकते हैं कि पीकू कितनी मस्ती करता है अपनी मम्मा के साथ, बहुत प्याला बेबी है ये। देखो, आ जाओ पीकू, आ जाओ बेबी, आ जाओ, आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ। और मैं इसको अब किसी केज में नहीं रखती हूँ, मैं इसको ऐसे ही खुला रखती हूँ आजकल, क्योंकि मतलब इसको शायद कंफर्ट नहीं होता होगा, काफ़ी बड़ा है इसके लिए जो मैं लेके आई थी, बट अब मैं इसको खुला रखती हूँ और पॉटी वोटी कर लेता है तो मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना वो केज छोटा, उसमें पॉटी कर लेता है, फिर उसमें उधर ही बैठा रह सकता है, रहता है मतलब इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से। तो मैं इसको अब ऐसे ही रखती हूँ रूम में, खेलता है आराम से, खाता है पीता है पॉटी करता है और मस्ती करता है।
आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई रिस्क ना लें, आप डॉक्टर को दिखा के ही उसे दवाई दें, वीडियो में देख के आप उसको बिल्कुल दवाई ना दें। और बाद बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में राहुल सर का भी नंबर डाल दूँगी, तो कभी आपको इन दैट केस प्रॉब्लम हो आप पेरेंट को, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको भी उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको 3-4 बार वीडियो कॉल किया था, मेडिकल पे गई थी तब भी किया था और दवाई देने के बाद भी किया था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे, मैंने तो फर्स्ट टाइम पाला है, कैसे इसको दवाई देनी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे इसको दवाई देनी है, तो मैंने उसको वैसे दवाई दी और 2 दिन में पीकू बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब पीकू इधर आओ, पीकू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पीकू बाय कर दो, बाय। पीकू की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय पीकू, बाय बाय पीकू, बाय बाय बाय।